वेलकम टू दिस एपिसोड विद मी आर वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम बी ए कॉलेज इन एक टाइम था जहाँ पे जब हम बात एम बी ए कर रहे होते थे तो स्टूडेंट्स के दिमाग में कहीं ना कहीं सिर्फ पुणे मुंबई बैंगलोर डेली जैसी लोकेशन आती थी बट अभी की डेट में कई सारी ऐसी सिटीज हैं जो यू you नो know, एक एज आ ऑल्टरनेटिव ऑप्शन बन के आई है स्टूडेंट्स के लिए जिसमें से यू नो सिटीज़ लाइक हैदराबाद अहमदाबाद हो गया यू you नो know, उसके बाद अगर हम बात करें तो इवन कोलकाता हो गया क्योंकि यूजली कोलकाता में वो बच्चा Uh, you know, अपने एम बी ए या पी जी डी एम के लिए जाता था जो कही न कहीं ना कहीं कोलकाता या आस पास की जगह पर रहने वाला था बट अब स्टूडेंट फ्रॉम यूपी बिहार ऑल्सो गो टू कॉलेज इन कोलकाता तो यूजली uh, जब स्टूडेंट सर्च कर रहा होता है एम बी ए या पी जी डी एम कॉलेज इन कोलकाता तो उसके दिमाग में कभी ये नहीं आता है कि एम बी ए कॉलेज उसके दिमाग में हमेशा आता है टॉप कॉलेज द रीजन बींग यू नो आई वेंट मैंशन टॉप कॉलेज बिकॉज वो कहीं ना कहीं स्टूडेंट की प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी करता है बट अभी हम देखेंगे दट वट आर द यू कैन टारगेट इन टू so लेट्स गेट started. सो वी स्टार्ट with दिस एपिसोड जहां पे सबसे पहले मैं थोड़ी सी अपनी वाणी आपको देना चाहूंगी इट्स विन ईयर्स जब हम देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कोलकाता में कॉलेजेस देख रहे होते हैं इसमें दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स होते हैं वो कैटेगरी के स्टूडेंट्स जो लच्चे कोलकाता में ही रहते हैं या आसपास पास की सिटीज़ में रहते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा सकते उनकी फ़ैमिलीज़ अलाउ नहीं करती तो वो कही न कहीं ना कहीं कॉलेज देख रहे होते हैं कोलकाता के अंदर जो दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो पैन इंडिया में अलग अलग लोकेशन यूपी बिहार झारखंड एंड वो कॉलेज देख रहे होते हैं तो जो दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कोलकाता भी एज अ ऑप्शन है या लच्चे पुणे भी एज अ ऑप्शन है

वेस्ट बंगाल के ही होते हैं तो होता क्या ना जब हमारी लैंग्वेज में कोई बात कर रहा होता है तो हमारा ट्रस्ट करना थोड़ा सा हम ज़्यादा ट्रस्ट कर पाते हैं यूजुअली दूसरे स्टेट्स के लोगों से कि यार ये तो अपना वाला है बट कई बार क्या होता है ना ये अपने वाले ही यू you नो know, आपका यू you नो know, नया पार लगा देते हैं तो जब आप कॉलेज की बात कर रहे हो तो प्लीज़ वेरीफाई करो बिकॉज आप ये पैसा लोन लेके कर अपने पेरेंट्स से लेकर लगाने वाले हो ताकि आपको एक अच्छी जॉब मिल जाए या फिर आपको अच्छा पढ़ने को मिले और इसको रीपे आपका अपने वाला नहीं करेगा आपको खुद करना पड़ेगा तो ये चीज़ें सोच समझ के डिसाइड करो तो अभी मतलब ये सारे ज्ञान को देने के बाद ये शुरू में ही इसीलिए दिया कि आपसे या किसी से भी स्किप ना हो जाए हम बात कर रहे हैं एम बी ए कॉलेजेस इन कोलकाता अब यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं एंड कुछ अच्छे हैं कुछ ठीक हैं और कुछ नहीं भी अच्छे हैं आपकी प्रोफाइल टू प्रोफाइल पे देखना है सबसे पहला कॉलेज है आई एम कैलकटा अब हर बच्चा आई एम कैलकटा चला जाए तो पॉसिबल ही नहीं है क्यों नहीं पॉसिबल है क्योंकि राइट right? ना कैट में मैं नाइन प्लस परसेंट आए देन तुम्हारा अकेडमिक्स देन तुम्हारा वैट होगा पी आई होगा तुम्हारा ओवरऑल प्रोफाइल को दस बार नहीं पचास बार रीवेलीफाई यू uh, नो you know, वेरीफाई किया जाएगा एंड देन एडमिशन होगा वैसे मैंने ऑलरेडी एक इंटरव्यू ले रखा है मेरे चैनल पर द स्टूडेंट हुज पासड आउट इन दर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री और माई येस ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री तो आप चैनल पर एक बार जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं तो दैट विल गिव यू एन आइडिया दैट वॉट काइंड ऑफ क्वेश्चन बींग अगर आप आई एम कैलकटा टारगेट करें में कॉलेज नहीं है जो मुझे लगता है आई एंड कैलकटा के बाद आप डाल सकते हो पॉल आई आई एफ टी कोल दस कॉलेज दो स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं आई बी में अपना करियर देख रहे हैं आई एफ टी का एग्जाम होता है और उसके बेसिस पे आप आई आई एफ टी कोलकाता को भी टारगेट कर सकते हैं तो ये तो होगा कहीं ना कहीं दो नेशनल लेवल कॉलेजेस इनका कोलकाता में होने से कोई लेना देना नहीं है राइट right? कि आई मीन दीज आर दी टॉप कॉलेज वेन इट कम्स टू इंडिया लाइक थर्ड पोजिशन पे आता है आई I कैल्कटा mean, तो ये हो गए देन उसके बाद मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी काफ़ी नोन यूनिवर्सिटी है ये कही कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल में एम बी ए कराती है फीस कम है बट यहाँ पर ज़्यादातर वो बच्चा एडमिशन लेता है जिसको कहीं ना कहीं डिग्री के लिए एम बी ए करना है उसका बजट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप चाहो तो ये भी देख सकते हो देन उसके बाद आई थिंक यू नो एक कॉलेज और है जो यहाँ पर नहीं है दैट इज़ कॉल्ड आई आई एस डब्ल्यू बी एम कोलकाता राइट ये कॉलेज जो है इट्स ऑल्सो अ गवर्नमेंट कॉलेज इट्स अ वेरी ओल्ड कॉलेज कैलकाता यूनिवर्सिटी से अफिलियटेड है जितने भी पीड़ित हैं कैलकटा यूनिवर्सिटी के वो सेंटेंस से रिलेट कर सकते हैं कि मैं हर साल कई सारे बच्चों से इंट्रैक्ट करती हूँ जिनसे बात करके लगता है यार आई मीन देयर गुड विद कम्युनिकेशन अच्छे हैं यू नो देर नॉट बिलो एवरेज स्टूडेंट्स बट उनके ग्रेजुएशन में मार्क्स कम हो जाते हैं बिकॉज उनका ये कहना होता है कैलकटा यूनिवर्सिटी बहुत ही कंजूस है मार्क्स देने में और मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जिनके यू नो फिफ्टी से कम रहते हैं ग्रेजुएशन मतलब सब कुछ अच्छा है बस यार कैलकटा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और वहाँ पर आके अटक गई गाड़ी तो ये प्रॉब्लम भी रहती है तो अगर आप इससे रिलेट करते हैं क्योंकि आई एस डब्ल्यू बी एम कोलकाता भी जो है वो कलकटा यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है इट्स मोर ऑफ थ्योरेटिकल। बट मैंने क्योंकि इस पर वीडियो बनाया है एंड द स्टूडेंट विद होम आई वॉज इंट्रैक्टेड विद मेंशन, बिकॉज ऑफ द ओल्ड इंस्टीट्यूशन बिकॉज ऑफ द रेपुटेशन राइट द college इज हैविंग यू नो अट्रैक्ट कंपनीज कंपनीज आती हैं और एक और चीज़ ही मैंशन की ओवरऑल फाइनेंस की कंपनीज कम हैं कंपेरेटिवली टू कंपनीज इन मार्केटिंग एंड दूसरी टू कोलका राइट दैट्स आई आई एसडब्ल्यू बी एम कोलकाता कट ऑफ पे नहीं जाएंगे बिकॉज कट ऑफ तो कुछ भी दे रहते हैं इसका कट ऑफ अगर मैं बात करूं आई एस डब्ल्यू बी एम का तो नियर अबाउट मेरे हिसाब से 70, 65, 70 परसेंट टाइल होगा फिर उसके बाद बहुत सारे बच्चे पूछते हैं यहाँ पे कॉलेज है कॉल आई एम आई कोलका कैट जैट सी मार्ट एक्सेप्ट करता है कैट में आई थिंक थिंकटी मिनिमम परसेंट आइल है इंटरव्यू दोगे आप यू विल बी एबल टू मेक इट द सेम इज विध जैट एंड थ्रू सी मार्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रोविजनल एडमिशन लेटर्स गए हैं नहीं गए हैं तो अब आप सीमार्ट में भी एटी परसेंट टाइल सेवेंटी परसेंट टाइल पर आप टारगेट कर सकते हो पर ये ओवरऑल प्रोफाइल पर डिपेंड करता है ऐसा नहीं है कि आपका सेवेंटी है तो आपका हंड्रेड परसेंट हो जाएगा अगर आपका इंटरव्यू इरिस्पेक्टिव बहुत ही खराब गया हो तो दोनों ही चीज़ें जो हैं वो पार्लली बैलेंस करती हैं अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है दैट मैं अपनी प्रोफाइल के हिसाब से कौन से कॉलेज को टारगेट करूं तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके यू कैन आस्क ऑल यू क्वेश्चन रिलेटेड टू द सेम बिकॉज यू नो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड यू नो चूजिंग अ कॉलेज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स लाइफ सो के से, कुछ एक और तो नहीं है ओवरऑल प्रोफाइल के बेसिस पे रहता है तो दैट इज बेसिकली प्रैक्सिस बिजनेस स्कूल राइट right? सब आप ये मान के चलो आपका बजट अगर आप हॉस्टल के साथ देख रहे हो दस लाख के अंदर तो जाना है आई एम आई कोलकाता थोड़ा सा और ज्यादा एक्सपेंसिव है अगर कम बजट में देख रहे हैं तो फिर आप आई एस बी एम कोलकाता देख सकते हैं बी आई बी एस कोलकाता देख सकते हैं ये इसका कैंपस बहुत बड़ा नहीं है बट फीस कम है देन आप ई आई आई एल एम कोलकाता देख सकते हैं भारतीय विद्यापीठ सॉरी भारतीय विद्या, भारती विद्या इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज देख सकते हैं राइट देन सिस्टर निवेदिता यूनिवर्सिटी कोलकाता है कम बजट वाले कॉलेजेस है तो ऑल एंड ऑल काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं वैन इट कम्स टू कोलकाता राइट फ्रॉम आईआईएम कोलकाता टू आई कोलकाता टू आईएमआई कोलकाता टू प्राक्सिस ग्लॉब्स बीआईबीएस कोलकाता बिजनेस स्कूल द एन नंबर ऑफ कॉलेजेस विच आर वेर इन कोलकाता बट द मेजर क्वेश्चन इज अमंग ऑल ऑफ दैम मैं कहाँ पे जाऊँ बिकॉज जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आन क्यालकटा आई एफ टी कोलका हटा दे तो ज़्यादातर कॉलेजेस के एवरेज पैकेजेस किसी के साढ़े छः सात से ज़्यादा के नहीं हैं राइट right? तो so, उसमें मेरा कहाँ बजट ज़्यादा लग रहा है मुझे ब्रांड वैल्यू चाहिए या फिर मेरे पास कोई दूसरा बैकअप ऑप्शन है मैं इट कम्स टू तो पुणे मुंबई तो उसी बेसिस पे आपको डिसाइड करने की ज़रूरत है आपको कोई भी हेल्प लग रही है राइट बिकॉज आई ऑलवेज से कॉलेज इज वेरी ऑन प्रोफाइल टू प्रोफाइल लेट्स इफ यू हैव नाइनटी नाइन परसेंट आयल कॉलेजेस विल ऑल टोटल भी डिफरेंट नाइन्टी परसेंट आयल कॉलेज विल भी डिफरेंट So, if you need any help, there in the description box, do not forget to like, share, and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share, and subscribe.